बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का 27 मई को निधन हो चुका है। उन्होंने सूर्या हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली थी। ऐसे में इस दुख की घड़ी में पूरा बॉलीवुड परिवार अजय को सपोर्ट करने उनके घर पहुंचा। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे अजय देवगन के दुख में शरीक होने पहुंचे। अब बीते रोज अजय के करीबी दोस्त सैफ अली खान उनसे मुलाकात करने देवगन हाउस पहुंचे। अपनी इस मुलाकात के दौरान सैफ अली खान अजय देवगन से काफी देर तक बातचीत करते हुए दिखाई दिए। पिचासी साल के वीरू देवगन को सीने में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत के चलते सेंटा क्रूज के सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि सैफ अली खान और अजय देवगन ने सुपरहिट फिल्म कच्चे धागे और ओमकारा में एक साथ काम किया था। खबरों के मुताबिक अजय के पिता वीरू देवगन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते अजय अपने कई प्रोग्राम रद्द करके उनकी देखभाल में जुटे हुए थे। अजय ने इस बीच अपनी फिल्म दे दे प्यार दे के प्रमोशन को भी बीच में छोड़ दिया था। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों में एक्शन दृश्यों का निर्देशन करने के लिए मशहूर वीरू देवगन अमृतसर के रहने वाले थे। वीरू देवगन फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से भागकर मुंबई आए थे। वीरू देवगन ने 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। साथ ही दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं के लिए स्टंट भी किया। आपको बता दें कि वीरू देवगन का अंतिम संस्कार सोमवार को ही विले पार्ले शमशान घाट पर पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया।